बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक है व्यापार में सफलता कैसे पाया जाए। जी हाँ, व्यापार में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यापार चल ही नहीं पाता या फिर बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए बता रही हूँ। एक बार आप इस उपाय को करके देखिएगा, आप इसके अंजाम यानी इसका जो परिणाम है ये देखकर आप खुद भी चकित हो उठेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो उसके हर नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। ये कोई टोटका नहीं है, ये जनरली मैं बता रही हूँ ताकि बिजनेस व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आपको, अगर आपका दुकान है या फिर ऑफिस है तो उसमें क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होनी चाहिए, वो सारे चीज़ को फॉलो करते हुए अगर आप इस उपाय को भी करते हैं तो व्यापार में चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहली तो एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप कुंडली दिखा ले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से तो बेटर होगा, क्योंकि लाइफ में कई बार प्रॉब्लमें जो आती है वो कहीं ना कहीं कुंडली भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कुंडली में मौजूद वो ग्रह इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस व्यवसाय या हमारे लाइफ पे। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप कुंडली दिखा कर कोई उपाय करते हैं तो ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है, लेकिन हाँ अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है सफ़ेद आंक का पौधा, यानी सफ़ेद आग के इसको बोल सकते हैं। इसका आपको जड़ प्राप्त करना है। जड़ भी कैसा, डायरेक्ट आपको जड़ को तोड़कर नहीं धारण करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मंत्र सिद्ध सफ़ेद आग की जड़ यानी श्वेतार्क मूल्क को चांदी की ताबीज़ में आपको धारण करना है, सफ़ेद डोरे के साथ गले में धारण कर सकते हैं। इससे व्यापार में चार चांद लग जाते हैं। आजमा कर देखिए, बहुत ही असरकारक उपाय है दोस्तों।